हमने भारतीय करेंसी के नोटों को बदलते हुए देखा है, लेकिन कुछ चीजें नोटों पर नहीं बदली जाती, जिनमें से एक है महात्मा गांधी की फोटो, जिसको बदलने के लिए काफी सवाल भी उठते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि नोटों पर कब छपी थी महात्मा गांधी की फोटो और नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही क्यों छापी जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर क्यों छापी जाती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य का रास्ता चुनकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, जिसका श्रेय बाकी क्रांतिकारियों के साथ साथ महात्मा गांधी को भी दिया जाता है। इसी वजह से महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर छापी जाती है। महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर सबसे पहली बार कब छापी गई थी? पहली बार सन 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर छापी गई थी। उस वक्त 5 और 10 रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई थी। उसके बाद 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोटों की सीरीज जारी की गई, जिसमें 5, 10, 20, 50, 500 और 1000 के नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई थी। नोटों पर छपने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर सबसे पहली बार कब और कहां खींची गई थी? हमने नोटों पर देखा है वाइसराय हाउस की फोटो बनी होती है। महात्मा गांधी की यह तस्वीर वाइसराय हाउस में सन 1946 में खींची गई थी। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर प्रिंट की गई थी, तो फिर उससे पहले नोटों पर किसकी तस्वीर छपती होगी? 1996 से पहले नोटों पर अशोक स्तंभ की फोटो छापी जाती थी। 1996 में RBI ने नोटों के डिजाइन में बदलाव किया और तब अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छाप दी गई और अशोक स्तंभ को नोट के नीचे की ओर रख दिया। और आपको बता दें कि अशोक स्तंभ से पहले भारतीय मुद्रा पर किंग जॉर्ज की तस्वीर छापी जाती थी। अब बात कर लेते हैं किस किस की तस्वीर नोटों पर लगाने की मांग की जाती है। आम आदमी पार्टी ने माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की तस्वीर फोटो पर लगाने की मांग की थी। BJP नेता नीतीश राणा ने मांग की कि भारतीय नोटों पर वीर शिवाजी की तस्वीर छपनी चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो नोटों पर लगाने की मांग की। 2010 में पंजाबी सिंगर निशान भुल्लर और हनी सिंह का एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, जिसका नाम था भगत सिंह। उसमें उन्होंने भगत सिंह की फोटो नोटों पर लगाने की मांग की थी, जिसके बाद पंजाब की युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया के जरिए भगत सिंह की फोटो नोटों पर लगाने की मांग की थी। अब आप हमें कमेंट में बताना कि किसकी तस्वीर नोटों पर लगनी चाहिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।